चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से बढ़ते खतरे को देखते हुए बचाव और राहत के लिए भारतीय कोस्ट गार्ड ने भी कई तैयारियां की हैं। भारतीय कोस्ट गार्ड का एक जहाज शूर समंदर पर तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी हालत से निपटने में देरी की कोई गुंजाइश ना रहे। तूफान से खतरे के बीच कोस्ट गार्ड के जवानों का एक और वीडियो सामने आया जिसमें समंदर के बीच फंसे कुछ लोगों को वो सुरक्षित बाहर निकालते हुए दिखाई दिए। इसके लिए उन्होंने एक हेलीकॉप्टर की मदद ली और किसी कंपनी में काम करने वाले इन कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये सभी कर्मचारी ओखा के पास एक रिंग में काम करते थे। बताया गया कि ये 50 कर्मचारी वहां फंस गए थे जिन्हें कोस्ट गार्ड के जवान सुरक्षित बचा कर ले आए। उधर द्वारका में भी एनडीआरएफ की एक टीम द्वारका में तैनात कर दी गई और किसी भी हालत से निपटने के लिए एनडीआरएफ के जवान मुस्तैद नजर आए। Requested to exercise caution for inclement weather and rough seas. This is Indian Coast Guard.